हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिरबानो फ्रॉम श्रीगवि प्राइवेट लिमिटेड। आज हमें पढ़ी से पार्ट फर्स्ट बायोडायवर्सिटी ना बारे में। बायोडायवर्सिटी ना बारे में अगर हमें जानिए तो कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव, बहुत मुश्किल है अलग पे विश्वास करूं दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ अंट नीचे, 20,000 से भी ज्यादा स्पीशीज जो है वो चींटी नीचे, अंट नीचे, 3,00,000 से भी ज्यादा स्पीशीज जो छे वो बैटल नीचे, अलग अलग तरीके ना जो इंसेक्ट हो छे, कीड़ा हो छे नीचे, बहुत ज्यादा स्पीशीज जो छे वो इंसेक्ट नहीं देखी जानी छे। क्लियर? 28,000 स्पीशीज जो छे वो फिशेस नीचे, अलग अलग तरह की मछली जो छे वो पाई जाए छे। नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड नहीं देखी जाए छे, ऑर्चिड्स नहीं देखी जाए। हमें जानी छे बायोडायवर्सिटी। In our biosphere, immense diversity, हमारा biosphere ना अंदर बहुत ज़्यादा immense diversity छे, heterogeneity, heterogeneity हमें क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि अलग अलग mode of nutrition ना organism मिली ने पूरी biodiversity बनाई छे। Clear? इन्होंने बहुत सारी जगह ना पर biodiversity parks भी हुई छे ताकि हमें वहाँ जाइने आराम से biodiversity ना बारे में जान सके। Clear? एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीशीज लेवल, आ स्पीशीज लेवल पर ज नथी, बहुत सारा डिफरेंट ऑल लेवल्स ना ऊपर देखो जाए, बट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अरेंजिंग फ्रॉम माइक आने अरेंज करो गयो छे मैक्रोमोलिक्यूल सेल ना मैक्रोमोलिक्यूल से लेने के बायोम्स तक। क्लियर? एडवर्ड विल्सन ने सबसे पहला बेटा वर्ड टर्म ने पॉपुलराइज करी थी बायोडायवर्सिटी में। एडवर्ड विल्सन, बायोडायवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट, सोशियोबायोलॉजिस्ट का एडवर्ड विल्सन ए आर टर्म ने पॉपुलराइज करी। ही डिस्क्राइब सु डिस्क्राइब करो डिस्क्राइब द कंबाइंड डायवर्सिटी एट ऑल द लेवल, आ सब अलग अलग लेवल नी एक कंबाइंड डायवर्सिटी छे ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हमें बोले छे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जेनेटिक डायवर्सिटी, अ सिंगल स्पीशीज माइट शो, हमें तीन लेवल छे, फर्स्ट जेनेटिक डायवर्सिटी, स्पीशीज डायवर्सिटी, इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। जेनेटिक डायवर्सिटी, अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डायवर्सिटी, बहुत हाई डायवर्सिटी छे एट द जेनेटिक लेवल पर ओवर ए डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। द जेनेटिक वेरिएशन शो बाय द मेडिसिनल प्लांट राउवोल्फिया वोमिटोरिया, राउवोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयाज़ रेंजेस, अलग अलग डिफरेंट हिमालयाज़ ना रीजन ना अंदर ग्रो थी जे क्योंकि आनामी से एक केमिकल निकली है, माइट बी इन टर्म ऑफ द पोटेंसी, ओनी पोटेंसी ना कारण ओनी कंसंट्रेशन ना कारण ऑफ एक्टिव केमिकल, उना वो एक एक्टिव केमिकल से जिन्हें बोले छे रेसेपाइन, देट आर द प्लांट प्रोड्यूस, जो कि अ प्लांट जो छे वो प्रोड्यूस थाई छे। क्लियर? इंडिया हैज मोर देन, इंडिया ना पासे कितनी स्पीशीज से जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ राइस, क्लियर 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, राइस ना 50,000 ना करीब जेनेटिक स्ट्रेन्स देखवामां आवे छे। क्लियर? एंड 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो, कितनी छे 1,000 ना करीब मैंगो नी वेराइटीज जो छे वो देखवामां आवे छे। स्पीशीज, हवे स्पीशीज डायवर्सिटी बहुत सिंपल एग्जांपल अगर अपन दई है तो इस चावल ना बहुत अलग अलग स्ट्रेन्स देखवा आवे छे, चावल एक छे स्ट्रेन्स बहुत सारा छे। क्लियर? काली मूछ छे, बासमती छे, गोल्डन सेलो छे। क्लियर? और भी अलग अलग तरह ना चावल हो छे ओनी साइज ना अकॉर्डिंग और ना फूल मान अकॉर्डिंग, कोई 1.5 इंची फूले छे, कोई 1 इंची फूले छे। क्लियर? तो अलग अलग चावल एक ज स्ट्रेन छे, चावल एक ज स्पीशीज छे, बट ओना अलग 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 वेरिएंट स्ट्रेन देखवाने मिले छे। क्लियर? सेम सन 1,000 से ज्यादा वेराइटीज जो छे वो मैंगो नी छे, अगर हमें देखिए बादाम, हाफूस, दशेरी, लंगड़ा, क्लियर, और तोतापड़ी, मालवी आम, साग, साग भी आम ज कैटेगरी ना अंदर आवे छे बट एक अलग वेराइटी छे। क्लियर?
तो इस तरीके से मैंगो की भी बहुत सारी वेराइटी है, एक स्पीशीज से बहुत सारा वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ मैंगो जो है वो देखा जाए जाए करीबन 1,000 ना करीबन मैंगो की भी वेराइटी है। क्लियर था ये बात यहाँ तक? आ हो जाए जेनेटिकली डाइवर्स, जिस तरह हमें पी प्लांट में देखो, पी प्लांट अंदर है वो पर्पल फ्लावर वालो, व्हाइट फ्लावर वालो, और येलो सीड वालो, ग्रीन सीड वालो, रिंकल सीड वालो, राउंड सीड वाला, तो अलग 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 हमें वेरिएशंस देखा ना, इस तरह यहाँ पर भी बहुत सारा वेरिएशंस देखा। दीजिए स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी सोचिए, द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल, अगर हमें स्पीशीज लेवल पर डाइवर्सिटी देखिए, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न अवे स्पीशीज लेवल, कहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर अ पर्टिकुलर चीज की स्पीशीज प्रेजेंट है, कहां पर बिल्कुल भी नथी, क्योंकि वहां नो क्लाइमेटिक कंडीशन होना फेवर में नथी, पर्टिकुलर एरिया नो क्लाइमेटिक कंडीशन होना फेवर में नथी। इस तरह अगर हमें देखिए तो वेस्टर्न घाट ना अंदर, वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटेस्ट एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा मात्रा ना अंदर तमे वेस्टर्न घाट ना अंदर अलग अलग वेराइटीज एम्फीबियन की स्पीशीज देखी लो, सो बट ईस्टर्न घाट ना अंदर इतनी दिखाने नहीं मिले। क्लियर? थर्ड से इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल, अगर हमें इकोसिस्टम लेवल की बात करें तो इंडिया फॉर इंटेंस विद इट्स डेजर्ट, इंडिया ना डेजर्ट ना इकोसिस्टम अलग छे, रेन फॉरेस्ट ना इकोसिस्टम अलग छे, डेजर्ट ना अंदर डेजर्ट वाला प्लांट जो कि कम पानी ना अंदर ग्रो हो जाता हो, वहां ना एनिमल भी जो हसे वो अलग टाइप ना हसे, जानी जिस तरह अगर हमें देखिए कैमल शिप ऑफ द डेजर्ट बोलो जाइए, वो नॉर्मली यहाँ वहां पर सर्वाइव कर वो उन्होंने बहुत टिपिकल है, बट डेजर्ट में सर्वाइव कर वो बहुत आसान है। क्लियर? उसे हम पूछे जहां वो अपने वाटर स्टोर करेंगे रखे छे। क्लियर? रेन फॉरेस्ट बहुत घनो जंगल जहां बहुत हेवी रेनफॉल जाती हुई, मैंग्रोव्स वो जगह जहां पर अगर हमें बोलिए वो जगह जहां पर जो वृक्ष छे जो ट्रीज छे वो जगह पे उगता हुई जो कि हार्ड वाटर हुई, ठीक है, खाड़ू पानी हुई। क्लियर? कोरल रीफ, मूंगा चट्टान। क्लियर? वेटलैंड एरिया। क्लियर? और खाड़ीज, एस्टुरियास खाड़ीज, अल्पाइन घास ना मैदान, ठीक है, तो वहां कोई और ना ना, सबका इकोसिस्टम अलग अलग है, हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्लियर? देखी जाए इंडिया ना अंदर, क्लियर, बट देन आ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे, अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ना अगर हमने नॉर्वे की बात करिए तो नॉर्वे में हमारे भी चीजों देखने इतना सारी चीजों देखवाई और इवाल डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम देखने नहीं मिले। अब पूरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ने बनवा में मिलियंस ऑफ ईयर लगा, अगर हमें इवोल्यूशन वाला चैप्टर ना बराबर डिस्कस करिए तो हमें हमारा लास्ट लेक्चर में अंदर इवोल्यूशन ना बराबर डिस्कस कर ही चुका है कि इवोल्यूशन जो है वो हजारों लाखों सालों ना बाद थे वो जो, तो धीरे 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 इवोल्यूशन थे, नेचर सिलेक्ट करे छे कि केने आगे लेने जाओ और केनी लाइफ ने यहाँ पर केना कैरेक्टर ने यहाँ पर हमें स्टॉप करो छे, तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन नेचर उन लोगों ने सिलेक्ट करे छे। क्लियर? इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन अंदर मिलियंस ऑफ ईयर लगे छे टू एक्युमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर जिन्हें बनवा अंदर, ठीक है, बट वी कुड लॉस ऑल द वेल्थ इन लेस देन टू सेंचुरीज, हमें यह सब चीजों ने बे दशक से खोता जा रहा है, अगर हमें देखिए तो धीरे 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 करंट रेट के हिसाब से भी हमें देखिए तो धीरे धीरे हमारी डाइवर्सिटी में से बहुत सारी स्पीशीज जो डिफरेंट एनिमल में इंसेक्ट में बर्ड्स में वो एक्सटिंक्ट थाती जा रही है, क्यों, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, सबसे बड़ो है ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर राइज थो जाए, बिस्रो है हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन, पॉल्यूशन, ठीक है, तो आ सब की वजह से हमारी डाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा लॉस थे, डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी में लॉस थे। वेल लेस देन टू सेंचुरी इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीशीज लॉसेस कंटिन्यूसली, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इश्यू, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन एक बहुत बड़ो वाइटल एनवायरमेंटल इश्यू बनेंगे, क्यों, क्योंकि उन्हीं वजह से अगर कंजर्व नहीं थे वापस से रिफॉरेस्टेशन नहीं बने,
तो फिर से हमारी जो स्पीशीज दूसरे को जो एक्सटिंक्ट थी जो उन्हें हमें बचाई नहीं सके। सो फ्रेंड्स आप पॉइंट्स ने लिखी लो। होप कि आप लोगों ने बहुत समझ में आए हो से और उम्मीद करी छे कि लेक्चर आपके लिए इजी हसे और इजीली अंडरस्टैंडेबल हसे आ वाला पार्ट से और आ पार्ट से बहुत सारा क्वेश्चंस की। थैंक यू।